गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। तो आज जो हम लोग आज का जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 है और आज के पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग टॉपिक को समरी के रूप में देख लेते हैं। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। सेकंड टॉपिक आज का हो जाएगा एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। और थर्ड टॉपिक हो जाएगा अल्कली। आज का थर्ड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कलीज के बारे में। तो आज जो है हम लोग ये तीन टॉपिक को देखेंगे। तो ज़्यादा देखने के लिए, ज़्यादा समझने के लिए आप इसके आगे भी वीडियो को कंटिन्यू रखिए और कहीं पर स्किप करने का कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन अभी जो पढ़ाई चल रहा है वो ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, वो आपका लॉकडाउन के कारण हो रहा है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए ऑफलाइन क्लास चलता तो आप वीडियो को, आप क्लास को स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है समझने के लिए। तो जो बच्चे पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं तो वो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि हर जगह आपको सीखने को ही चीज़ मिलने वाला है, कोई फालतू चीज़ आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक का स्टार्ट होने वाला है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब देखिए बात यहाँ पर है कुछ इस टाइप का है कि अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो नॉन मेटल जो होता है ना, नॉन मेटल जो आपका होगा वो एक्चुअली आपका एसिडिक इन नेचर होता है। क्योंकि लास्ट जो मेरा वीडियो था, थर्ड पार्ट था, उसमें हम लोग देखे थे मेटल जो है वो बेसिक नेचर होने के कारण वो बेस से रिएक्शन नहीं करता है। कुछ ऐसा मेटल था जो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज कंटेन कर रहा था, वो आपका बेस के साथ रिएक्शन कर रहा था, क्योंकि एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज ही वो होता है जिसमें वो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है, बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एक्चुअली आपका एसिडिक नेचर का होता है और एसिड और बेस का रिएक्शन तो होता ही है, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ करते हैं रिएक्शन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ करेंगे रिएक्शन, तो वहां से आपको क्या होगा, सॉल्ट मिलेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो यहां पे जो नॉन मेटल हम पार्ट जो ऑक्साइड का बोल रहे हैं, एक्चुअली वो एसिडिक पार्ट है। ये आप देखिएगा तो ये आपका एसिडिक पार्ट है, एसिड प्लस बेस दैट इज वी नो सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक और है, एक पॉइंट और है, व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस देन प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड CO2 इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेस है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, जब यहाँ से रिएक्शन होता है तो आपको मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इट इज अ सॉल्ट। ठीक है, इट इज अ सॉल्ट। ठीक है, अब ये सॉल्ट मतलब ये नहीं होता कि NaCl ही आपको हर बार मिल जाए। NaCl को हम लोग घर में बोलते हैं ये आपका सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, नमक बोलते हैं, तो वो नमक नहीं है, ये सॉल्ट जो है आपका जब रिएक्शन होता है एसिड प्लस बेस का तो वहाँ से सॉल्ट का ही फॉर्मेशन होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट, फिर यहाँ से देखिएगा आपको मिल जाएगा H2O। ठीक है, वाटर यहाँ से रिलीज होगा। तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स निकल के आया जब ये रिएक्शन हुआ, तो कुछ टर्म्स यहाँ पर से निकल के आया जब ये रिएक्शन हुआ, तो ये नोट का पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये नोट का पॉइंट है। यहाँ पे बोला हुआ है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेस टू बी एसिडिक इन नेचर, ऑलरेडी इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये रिएक्शन के बाद समझ में आया था। ठीक है, बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विथ अ बेस देन प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास ये तो बेस है,
ठीक है, ये जो ऑक्साइड जरूर ये क्या होगा, एसिडिक होगा, ये क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये था आज का मेरा फर्स्ट टॉपिक। आज का सेकंड टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, वो हो जाएगा आपका एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। मतलब पानी में अगर एसिड को एसिड बेस को मिलाएंगे तो फिर क्या होने वाला है, और वहां पे कुछ प्रिकॉशंस के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक का स्टार्ट होने वाला है वो एक्चुअली है क्या चीज, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जब हम एसिड और बेस को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसके बाद प्रिकॉशन की भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन को हम पहले देख लेते हैं, आपका थ्योरी अपने आप क्लियर होगा। ठीक है, जैसे HCl हम जान रहे हैं एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको वाटर में मिला दिए। ठीक है, पानी में मिलाएं, पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं हाइड्रोजन जैसा ही ये जो आपका एसिड है पानी में जाएगा तो स्प्लिट होगा और ये H प्लस में कन्वर्ट होगा और Cl में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन क्या आपका बिना पानी में जाए हुए ये ऐसे स्प्लिट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो आपका एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में ये सिंपल H के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनर्ट गैस नहीं है, ये इनर्ट गैस नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका इनर्ट गैस नहीं होने के कारण ये एक एटम के रूप में एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अब इसको एग्जिस्टेंस में अगर आना है टूटने के बाद तो पानी में मिल जाएगा, ये एच प्लस पानी में मिला रहेगा तब एग्जिस्टेंस में होगा, अदरवाइज ये आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयंस के रूप में। हाइड्रोनियम आयन आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हेवी वाटर। ठीक है, H3O। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली होता क्या चीज़ है, S प्लस और Cl माइनस, और ये H प्लस क्या होता है, ये आपका यहाँ पे देखिए लोन पेयर। एक्चुअली आप लोग लोन पेयर के बारे में अब तक नहीं शायद पढ़े होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ये लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 8 करना चाहता है। तो यहाँ पर से हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाकर ये अपना देखिए तो अगर 8 कर लेता, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, लेकिन लोन पेयर का टेंडेंसी होता है कि वो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना सकता है। तो यहाँ पर ये लोन पेयर से हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन जो है दो ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 3 बॉन्ड बनने से इस पे प्लस चार्ज शो करने लगता है, जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण इसको क्या है ये करने में मुश्किल होता है। तो ये हर समय चाहता है लूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका ये जो H3O है एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ये तुरंत इसको यहाँ से रिलीज करने का कोशिश करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहता है या तो हम निगेटिव हों या तो फिर न्यूट्रल रहें, कभी पॉजिटिव में आना नहीं चाहता है। तो ये जो है आपका यही जो है ये क्या करता है, इसको पानी में मिल गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया। ठीक है, ये पानी में क्या दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से बोल सकते हैं ना कि ये जो सॉल्यूशन होगा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, जब ये सॉल्यूशन आपका बन गया यहाँ पर, तो जब ये हम लोग दोनों को मिलाए थे पानी में तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिला ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। ठीक है, अब थ्योरी भी आप देख लीजिए, आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एसिड प्रोड्यूस एच प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्लियर है, यहाँ पे बता चुके थे। एच प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, इट एग्जिस्ट एज अ एच प्लस एक्वस। एक्वस मीन्स क्या होता है, जब वो किसी भी वाटर में मिला रहेगा तो ठीक है, जब एच प्लस जो है वाटर में मिला हुआ है दैट इज एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वस हो गया या एस थ्री ओ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये भी पॉइंट हो गया था, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है सोल्यूशन में तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। All acidic solution conduct electricity. तो ये हम लोग basically acid का part देख रहे थे। अब देखते हैं base में क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए base के बारे में बात करें तो base के बारे में हम लोग simple तरीका से ये बोल सकते हैं कि जब base को हम लोग water में मिलाएंगे, तो वहाँ पर से देखिएगा तो आपका हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड वहां से रिलीज होगा, हाइड्रोक्साइल आयन, दैट मीन्स बेस प्रोवाइड OH आयन
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे कि मान लीजिए कोई मेरा बेस है, इसको अगर पानी में मिलाते हैं तो वहां से आपका दो भाग में स्प्लिट होगा। तो एक एग्जांपल यहां पर देख लिए, उसके आधार पे आपका क्लियर होने वाला है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो भाग में स्प्लिट होगा, पानी में जाएगा तब, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम एक्चुअली मेटल है, तो मेटल वाले पे प्लस वन होगा और हाइड्रोक्साइड पे माइनस वन होगा, ठीक है। जब देखिए एक्चुअली जो आपका यहां से बेस जब पानी में मिलता है तो आपका इस पानी में सोडियम का भी तो पार्ट है, सोडियम का पार्ट है, और सोडियम मेटल है, तो मेटल के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये एक्वस क्यों लिखा है, क्योंकि जब ये पानी में मिला हुआ है उस केस को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब ये दोनों चीज पानी में क्या है, मिक्स है। अब यहां से देखिए सोडियम गया, ठीक है, सोडियम पानी में गया और हाइड्रोक्साइड पानी में गया, तो दोनों अलग हो गया, वहां से जुड़ा हुआ इस टाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों ऐसे अलग हो गया, ठीक है। तो अब ये पानी में H प्लस आयन दे दिया और ये आपका माइनस आयन दिया है, ठीक है, ये लेना चाह रहा है, लेकिन क्या वो जुड़ रहा है क्या पानी में, ये पानी में जुड़ नहीं रहा है। तो यहां पे पानी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम के कारण है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब इस सॉल्यूशन में बेस मिलाने पर इस सॉल्यूशन में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जानते हैं मेटल में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये था आपका एसिड बेस इन सॉल्यूशन। अब देखिए इस टॉपिक पर ही हम लोग अगर सोचें तो एक अलग सा टॉपिक आपको यहां से क्रिएट होगा, ठीक है, एक अलग सा टॉपिक क्रिएट होगा यहां से प्रिकॉशन के बारे में, ठीक है। मेन रूप से अगर देखिएगा तो प्रिकॉशन के बारे में, एक्चुअली प्रिकॉशन होना चाहिए ना, कि जब एसिड हम वाटर में मिलाएंगे तो कैसे मिलाएं, एसिड में पानी डालें कि पानी में एसिड डालें, ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एसिडिक जो है, जो एसिड्स होता है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो करता है जब पानी में मिलता है। तो एक्सोथर्मिक बोलने का मतलब जब वो पानी में डाला जाता है तो उससे हीट रिलीज होता है, तो उस चक्कर में क्या होगा, पानी गर्म होता है और वो मान लीजिए किसी को पड़ जाए तो वो नुकसान भी दे सकता है, ठीक है। तो हम प्रिकॉशन के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली हम लोग को अब प्रिकॉशन के बारे में बात करना है, ठीक है, प्रिकॉशन के बारे में बात करना है कि किस टाइप से आपको एसिड्स को मिलाना है वाटर में, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर। प्रिकॉशन बहुत जरूरी है जब हम एसिड और बेस को पानी में मिलाएंगे तो, ठीक है। सबसे पहले एसिड के बारे में हम लोग देख रहे हैं, द एसिड मस्ट बी must always be added to water with a constant strength as it is highly exothermic reaction। अब देखिए ऐसा होता है क्या चीज है, जैसे मान लीजिए मेरे पास पानी है, ठीक है, मेरे पास पानी है, एक बीकर में अच्छा खासा पानी भरा हुआ है, उसमें हमको एसिड भी लाना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार ऐसे ढार दिए एसिड। अब ऐसे में क्या होगा कि पानी में एकाएक कॉन्टैक्ट में आएगा एसिड बहुत सारा, तो वो क्या होगा, वहां से काफी ज्यादा हीट लिबरेट होने लगेगा, ठीक है। तो वैसे में मान लीजिए छलक कर किसी को पड़ जाएगा तो वहां से वो जला सकता है, आपके बॉडी को वर्न कर सकता है। तो वैसे केस में करना क्या चीज है, पानी ज्यादा है उसमें हमको एसिड मिलाना है, तो हम थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे। वैसे में क्या होता है कि पानी ज्यादा क्यों है, वो न्यूट्रल है और उसमें एसिडिक पार्ट मिलेगा, तो धीरे धीरे एसिडिक नेचर का होना स्टार्ट करेगा, लेकिन वहां पे धीरे धीरे होने में क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होगा, एसिडिक धीरे 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 होते चला जाएगा, लेकिन एट रैंडम चेंज करने का कोशिश कीजिएगा तो वहां पे काफी तेज का आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा वाटर और एसिड के बीच में, जहां से बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा। तो वैसे में हमको करना क्या चाहिए कि पानी में जब एसिड मिलाएं तो काफी आराम से, ठीक है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शनल में, मतलब कहिए कि ये नहीं कि शुरू में हम धीरे ढाल रहे थे फिर अंतिम में तेज कर दिए, नहीं, एक कांस्टेंट प्रोफेशनल में होना चाहिए, मतलब एक डेफिनेट अमाउंट में होना चाहिए, हर बार सेम अमाउंट में उसमें एसिड मिलता चला जाए। तो वैसे में क्या होगा, एक समय के बाद पूरा वो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं वो क्या होने वाला है, व्हेन एसिड और बेस इज मिक्स्ड विथ वाटर दे बिकम डाइल्यूट। वो तो होना ही है, क्योंकि एसिड जो जिस बीकर में था उसका वॉल्यूम कम था,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो बीकर है, एक बीकर ये है, इसमें आपका इतना पार्ट एसिड है, ठीक है, एक बीकर ये है, इसमें आपका इतना पार्ट वाटर है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, एसिड आपका छोटा बीकर में था और इसमें देखिए बड़ा बीकर में देखिएगा तो यहाँ पे आपका क्या है, वाटर है, है ना, वाटर है। अब ये क्या चीज़ किए, ये एसिड जो है यहाँ से लाकर इसमें डालना स्टार्ट किए तो क्या मेरा एसिड बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, एसिड तो बढ़ेगा नहीं। और ध्यान दीजिएगा, एसिड जो है वो H प्लस देगा जब वाटर में मिलेगा तो, अगर ये बेस होगा तो ये OH माइनस देगा, वाटर में देगा, ठीक है। आपका जो एसिड है वो इतना ही अमाउंट है, जब इसमें मिलेगा तो पूरे में एसिड फैलेगा, भले ये होगा कि इसका थोड़ा सा लेवल अप होगा, हल्का सा लेवल अप होगा, लेकिन जो छोटा यहाँ पर अगर देखिएगा एसिडिक प्रॉपर्टीज तो वो यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पूरे एसिड है, और यहाँ देखिएगा तो वाटर प्लस एसिड है, तो यहाँ पे जो आप इसका देखिएगा अगर एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कीजिएगा, मतलब उसका एसिडिक प्रॉपर्टीज बोलें या बेसिक प्रॉपर्टीज बोलें, तो वो डिक्रीज होने वाला है, वो क्या होगा, उसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पानी में मिल जाएगा तो H प्लस जो है पूरे में फैल जाएगा, मतलब एक डेफिनेट वॉल्यूम में अगर देखिएगा तो H प्लस कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू देयर, यहाँ पर देखिएगा तो जो डेफिनेट वॉल्यूम है वहाँ पे H प्लस ज़्यादा है, यहाँ पे H प्लस फैल गया तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टीज डिग्रेड होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो अब इसी पे आपका थ्योरी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे बोल रहा है दे बिकम डायलूट, पानी में मिल गया डायलूट हो जाएगा क्योंकि पानी ज़्यादा एसिड कम, डैट इज डायलूट्स। अब आता है यहाँ पे, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यहाँ पे H प्लस ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, H प्लस सेम था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन कम गया, ठीक है, H और पर यूनिट वॉल्यूम इन एसिड और बेस, ठीक है। तो ये था आपका प्रिकॉशन, मतलब पानी में जब एसिड मिलाएं तो वो अच्छे तरीके से मिलाएं, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल में मिलाएं, हर कभी ये नहीं कि एसिड ढार दिए, या एसिड में तो पानी मिलाना ही नहीं चाहिए, एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए, वैसे में क्या होगा, एसिड ज़्यादा होगा पानी कम जाएगा, छलक कर आपको पड़ जाएगा तो आपका बॉडी वर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अब हम लोग का एक टॉपिक और आज का बचा हुआ है, अल्कलीज। अल्कलीज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो आज का जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है वो था अल्कलीज के बारे में। एक्चुअली अल्कलीज के बारे में अगर देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल के लास्ट, पीरियोडिक टेबल में अगर देखिएगा तो जो फर्स्ट ग्रुप आपका है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जो है उसको अल्कलीज मेटल बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा गया है, सम बेसेस डोंट डिजॉल्व इन वाटर, कुछ ऐसा बेस होता है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, कुछ ऐसा भी बेस होता है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अल्कली क्या है, बेस है, एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, अल्कली बेस होने के बाद भी वो क्या है, पानी में मिल रहा है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं अल्कली बेस है और वो पानी में डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन सभी जितना भी बेस है वो पानी में नहीं मिलता, इसका मतलब है अल्कली बेस है, ठीक है, अल्कली बेस है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी बेस अल्कलीज हो जाएं। आई थिंक ये भी होगा आपका डेफिनेशन में, देखिए ऑल अल्कलीज आर बेस, जितना भी अल्कलीज है बेस है, बट सम बेसेस आर नॉट अल्कलीज, कुछ ऐसे बेस हैं जो अल्कलीज नहीं हैं। इसका मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सर्कल, ये बेस का हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया बेस का हो गया। अब यहाँ पर जो रेड सर्कल देखिएगा, इसके अंदर ये आपका हो गया अल्कली का, ठीक है, ये क्या हो गया, अल्कली, मतलब अल्कली जो है बेस है, लेकिन और यहाँ पर का जो पार्ट आप देखिएगा जो आपका अल्कलीज के पास में है, जैसे ये सब पार्ट, ये सब तो बेस है लेकिन वो अल्कलीज नहीं है। तो ये आपको डिफाइन करने का अच्छा तरीका था यहाँ पर। अब देखिए कॉमन अल्कलीज आर, कुछ कॉमन अल्कलीज हैं जो कि बेसिक नेचर का दिखा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या है, अल्कली है, सोडियम, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, अल्कलीज है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, अल्कलीज है, अल्कलाइन भी है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि आज का जो टॉपिक था हम लोग का इतना ही है, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं वीडियो ला सकूं वो आप लोग के पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।